कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूँ तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो, पर छलांग अब नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखें, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे ना, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगी। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर ये तो ज़िंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूँ। बड़ा अजीब साल रहा ये, किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। समय सत्ता संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल सकता है, दिमाग नीयत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। एक झूठ तुमसे हज़ार झूठ बुलवा देगा, परंतु तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। ज़िंदगी में खूबसूरत तो बहुत आते हैं, लेकिन ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, नई सोच भी रखो अपनी। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं, भावुक लोगों से कहाँ प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है, जीवन भी यही है। जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार, वहाँ जिंदगी में हरियाली आ जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश ज़रूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफ़रत किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की तीन पहचान होती है, एक तो वो नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी तीन पहचान होती है, पहले उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। जय श्री कृष्ण।